हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी डी एस एजुकेशन अकेडमी। सो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में दोस्तों आज का हम टॉपिक करेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। सो द मेन कॉजेज ऑफ द राइज ओरिजिन ऑफ हिटलर का सबसे बड़ा कारण था दोस्तों ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जो कि हुआ था अलाइज कंट्रीज और सेंट्रल कंट्रीज के बीच में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइज पावर सेंट्रल पावर को हरा देती है और तब जाके पीस ट्रीटी होती है, शांति समझौता जिसे कहते हो। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के थ्रू क्या होता है दोस्तों, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। सो 28 जून 1999 एट द रेट वर्सेलिस पीस ट्रीटी डन बिटवीन द अलाइज एंड द जर्मनीज, इन विच 13% ऑफ टेरिटरी ऑफ द जर्मनी एंड 75% ऑफ आयरन एंड द 26% ऑफ कोल वॉज टेकन बाई फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। तो इस पीस ट्रीटी के अंतर्गत क्या होता है, 13% टेरिटरी जर्मनी की, 75% आयरन इंडस्ट्रीज, 26% कोल कि जो इंडस्ट्री होती है फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया द्वारा ले लिया जाता है, यानी कैप्चर कर लिया जाता है। सेकेंड वन इज जर्मनी वॉज डीमिलिटराइज, इसके अलावा जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया जाता है, यानी अब वहाँ कोई मिलिट्री पावर नहीं हो सकती है, फॉर्म नहीं कर सकते वो लोग। थर्ड वन इज अलाइड आर्मीज ऑक्यूपाई द रिसोर्स ऑफ रिच राइनलैंड, इसके अलावा अलाइड जो आर्मी होती है वो जो जर्मनी की रिच आइनलैंड है राइनलैंड उस पर कैप्चर कर लेती है। फोर्थ वन इज जर्मनी पेड 6 बिलियन यूरोस एज द कंपनसेशन टू द अलाइज कंट्रीज, जर्मनी को 6 बिलियन यूरोस किसको देना पड़ता है दोस्तों, अलाइज कंट्रीज़ को एज अ कंपनसेशन। अलाइज कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती है फ्रेंड, आपको पता है रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और आपका यूएसए, और सेंट्रल में कौन सी आती है दोस्तों, जर्मनी, इटली एंड तुर्की। एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका नवंबर क्रिमिनल। सो नवंबर क्रिमिनल बेसिकली कौन होते हैं, द सिग्नेचर डन बाय द बाइमर गवर्नमेंट ऑन द पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो जो लोग दोस्तों पीस ट्रीटी पे साइन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नवंबर क्रिमिनल कहा जाता था। तो ये था आपका टॉपिक शॉर्ट वीडियोज में ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में क्या क्या चीज़ें हुई थी। वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।